हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी कृतिका से चैप्टर 2 का कुछ परीक्षापूर्वी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से भी क्यों प्रभावित थी। तो इसका आंसर है, लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, ना ही कभी पर्दा वो घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आजादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से ना हो, क्योंकि वो स्वयं अंग्रेजों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। वो अपनी ही तरह आजादी का दीवाना ढूंढे। वे देश की आजादी के लिए भी जुनून रखती थी, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो इसका आंसर है, वो प्रत्यक्ष रूप में भले ही आजादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति की स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वो अपना दामाद एक आजादी की सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। थर्ड प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क है लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। ख है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। इसका आंसर है, लेखिका की माँ बरिस्टर की बेटी थी। वे अपनी माँ की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व माँ के कर्तव्य का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा है, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि का प्रश्न है कि लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों ना हो। ये उनके चरित्र की बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। सेकंड विशेषता है, वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे, उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। खा प्रश्न था कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं वो बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको सम्मान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया करता था। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वदा भिन्न था। उस समय उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। फोर प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू यानी बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो इसका आंसर है, उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वो सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही हो कि वो अपने पतोहू यानी बहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। पांच कन्या होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की माँ को ताना या उलाहना नहीं दिया। फाइव प्रश्न है, डराने धमकाने
उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वो लेखिका की दादी के मतलब दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने ये जानते हुए भी कि वो चोर है, उसको ना डराया ना धमकाया, बल्कि सहजतापूर्वक उससे सुधार दिया। उन्होंने ना सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया अपितु उसे लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। सिक्स प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, क्योंकि वहां क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी। इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, बल्कि अपने प्रयासों से उन्होंने तीन भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उससे वह मान्यता भी दिलवाई। सेवन प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका आंसर है, जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। एट प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है कि लेखिका की चौथे नंबर की बहन रेनू को अकेले वो अलग थलग रहना अधिक पसंद था। वो स्कूल गाड़ी में सबके साथ नहीं आती थी, पीछे पीछे पैदल आती थी। एक बार दिल्ली में 9 इंच वर्षा हुई, यानी 9 इंच वर्षा हुई, सभी स्कूल बंद हो गए, किंतु वो विद्यालय जाने को तैयार हो गई। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, किंतु उसने किसी की ना सुनी। बिना विद्यालय की गाड़ी के पैदल ही पानी भरी सड़क पर अकेली ही चली गई और विद्यालय बंद होने के कारण अकेली ही वापस आ गई। उसी तरह लेखिका भी अकेले में अधिक आनंदित तथा रोमांचित होती रही है। उन्होंने भी अकेले दम पर कई आश्चर्यजनक कार्य किए। बिहार में रहते समय अकेले ही वहां की औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार कर लिया। कर्नाटक के भागलकोट में अकेले हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ प्राइमरी विद्यालय खोला और इन कार्यों को करके वे बहुत खुश थी। इस प्रकार दोनों बहनें अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। अतः लेखिका ने ठीक ही कहा है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।